अब मैं यूरोपियन टीम्स में क्लैश होने वाला क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का मैच न्यू पावर नेदरलैंड्स होगा। यह मैच पुणे स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का वर्ल्ड कप में कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि दोनों ही टीम बाहर हो गई है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के लिए दोनों विक्ट्री चाहेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। अब आगे बात करें, जहाँ पे एक तरफ डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम, जिसने टूर्नामेंट में अभी तक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया, वहीं टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ अगर नीदरलैंड की टीम की बात करें, उसने दो टीमों को इस वर्ल्ड कप में हराया और हर मैच में फाइटिंग एबिलिटी दिखाई, तो इंग्लैंड से अच्छा गेम नीदरलैंड ने खेला। अब आगे बात करते हैं, पहले दोनों टीमों का वर्ल्ड कप हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पर टोटल मैच 3 खेले गए, तो वहीं इंग्लैंड 3 मैच जीत के आ रही है, नीदरलैंड 0 मैच जीत के आ रही है। अब देखते हैं टॉस प्रिडिक्शन। तो पुणे के पिच पे टर्न करते इस खेल में टॉस जीतने वाली टीम चेस करके सिचुएशन का फायदा उठाकर बैटिंग करने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट देखते हैं, तो पुणे का विकेट एकदम सॉलिड है, या दोनों तरह के अनुकूल पिचों के लिए जाना जाता है। यहाँ के पिच बॉलर्स को बहुत हेल्प करेगी, बैटर्स को स्ट्रोक खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं अगर वेदर देखें तो वेदर रिपोर्ट, दिन में धूप खिली रहेगी, पुणे का मौसम उमस और हल्का रहेगा, शाम में तेज हवाएं चल सकती है, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगी। अगर बात करते हैं इंग्लैंड टीम का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, तो पहले ही टूर्नामेंट में हार के चलते टीम सबसे नीचे पॉइंट टेबल पे है। अब टीम की कोशिश होगी कम से कम कुछ मुकाबले जीते और चैंपियन ट्रॉफी 2023 में क्वालिफाई करें। वहीं अगर बात करें, ओपनर डेविड मलन स्टार्ट फॉर्म में थे लेकिन अब नहीं है, जो रूट लगातार आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, उनके बैट से रन नहीं आ रही है। जॉस बटलर सबसे ज़्यादा फ्लॉप है हर मोर्चे पर, वह दुनिया के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन में से एक थे जो अब तक नहीं दिखे हैं। बेन स्टॉक कमबैक के बाद फ्लॉप रहे हैं, उनसे भी उम्मीद होगी, इससे मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा बैलेंस मिलेगा। वहीं इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें, इस बार बॉलिंग में भी बहुत कमी नजर आई। क्रिक वॉक्स और मार्क वुड नीदरलैंड के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अगर आदिल राशिद की बात की जाए, उनके फेवरेट स्पिन बॉलर है और हमें उम्मीद है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस पिच पे अहमदाबाद के पिच की तुलना में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर को अधिक हेल्प मिलनी चाहिए। क्रिक वॉक्स और आदिल राशिद इस सेटअप में मेन बॉलर होंगे जिन पर नज़र होगी। अब आगे बात करते हैं की प्लेयर्स देखते हैं, तो की प्लेयर्स में डेविड मलन, बेन स्टोक, क्रिक वॉक्स और जॉनी ब्रेस्टो, तो ये रहे इंग्लैंड टीम का स्वॉट एनालिसिस। अब आगे बात करते हैं नीदरलैंड टीम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो टीम की बैटिंग सबसे प्लस पॉइंट है और मैक्स ओडेड अच्छे प्लेयर हैं और टच में भी है। टीम की ओपनिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर मैच में विक्रमजीत सिंह अभी तक फ्लॉप दिखे हैं, जो इस मैच से उनको ड्रॉप कर दिया जाए। वहीं अगर टीम के ऑलराउंडर बास डेलिडे भी बैट से रन फॉर्म में नहीं है, लास्ट मैच में भले ही टीम ने अफगानिस्तान से हाई हार गई, लेकिन नीदरलैंड के लिए एक वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा क्योंकि टीम ने हर मैच में फाइटिंग एबिलिटी अपनी दिखाई, कम से कम इंग्लैंड से तो अच्छा खेल रही है। इस बार टीम नीदरलैंड के लिए नाम पर गोल्डन चांस है, इंग्लैंड को एक वर्ल्ड कप में हरा दे और यूरोपियन टीम्स में अपनी बसाहत कायम करें। नीदरलैंड के टॉप ऑर्डर बैटिंग यूनिट में रनों की कमी है, लेकिन हर मैच में टीम मिडिल ऑर्डर ने पावर दिखाया। शुरुआती 4-5 विकेट गिरने के बाद हर मैच में पार्टनरशिप बनाई और 250 रन तक बनाया। वहीं अगर आगे बात करें, कैप्टन स्कॉट एडवर्स ने टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया, टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाला। बॉलिंग में बास डिलीट और वान विक और पॉल वान विकेट लेकर बॉलिंग चार्ट में बने हुए हैं। लोगान वैन विक नीदरलैंड के लिए फास्ट बॉलिंग अटैक का अहम हिस्सा है। पुणे की टर्निंग पिच पर आर्यन दत्त बॉलिंग की शुरुआत करेंगे, बास डिलीट सबसे मेन प्लेयर हैं जिन पर बल्ले और गेंद नीदरलैंड के डिपेंड रहेंगे। अब आगे बात करते हैं की प्लेयर्स देखते हैं, तो बास डिलीट, एडम मक्राम, स्कॉट एडवर्स, तो ये रहे नीदरलैंड के स्कॉट एनालिसिस। अब दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, चलते विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर फाइनली इंग्लैंड की टीम होगी, इंग्लैंड की टीम मैच जीतेगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।